हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हो? अभी यहाँ शाम के 7 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ रेसिपी बनाने, तो मैंने सोची चलो आप लोग के साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, बस भाजी और रोटी बनाना है मुझे। तो चलिए मैं बताती हूँ आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये आपको बता देती हूँ, ये मैंने फ्लावर, मटर और आलू ली और इसे मैंने कट कर दी और अच्छी तरह से धो के रख दी। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा और इसमें राई है, ज़ीरा राई हमें लेना है भगाने के लिए। और यहाँ पे जैसे कि ये कांदे हैं और साथ में कड़ी पत्ता भी है। और यहाँ पे मैंने 3 कांदे ली हूँ मीडियम साइज़ के, और उसी तरह से मैं यहाँ पे 3 टमाटर ले ली हूँ मीडियम साइज़ के। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची ले ली हूँ, यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, तो हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं, बस आधा चम्मच ली हूँ, और मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर 1-1 चम्मच। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं कैसा बनाती हूँ और आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब पहले हम गैस ऑन करते हैं और उसके बाद कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो हम उसमें तेल गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ मैं 3 चम्मच तेल ले लेती हूँ और अभी तेल गरम हो जाए तो फिर मैं बताती हूँ कि मैं ये रेसिपी कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ले ली हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा राई ले ली हूँ और ये 8-10 कड़ी पत्ता ले ली हूँ। देखिए यहाँ पे ज़ीरा लाल हो गया, अब मैं इसमें कांदा डाल देती हूँ। लाल होने तक हमें पकाना है। और ये हमें हरी मिर्ची भी डाल देना है और इसी कांदे में हमें हरी मिर्ची भी पका लेना है। ये कांदा हमारे हल्का सा लाल हो गया है, अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और अब हम इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर जो हमने निकाले उसे डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब उसमें हम ये हमारी धुली हुई भाजी भी हम छोड़ देंगे और ये टमाटर भी हम डाल देंगे। अब उसे अच्छी तरह से चला लेंगे। ये मैंने भाजी अच्छी तरह से मिला ली हूँ, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। ये देखिए करीब 1/2 गिलास पानी डालना है हमें और उसे अभी ढक के पका लेना है। अपने अनुसार नमक डालना है जितना आपको ज़रूरत लगे, मैंने अपने हिसाब से नमक डाल दी और इसे भी मैं मिला लेती हूँ। ज़रा अच्छी तरह से मिला ली हूँ, अब इसे मैं ढक के पका लेती हूँ। ये देखिए ऐसे हमें टाइट बर्तन से ढक देना है ताकि वो पानी में और भाप में अच्छी तरह से हमारे आलू वगैरह जो भी है अच्छी तरह से गल जाए। चलिए अभी हम अपनी भाजी देखते हैं बनी क्या नहीं। आप देख सकते हो ये आलू कितनी अच्छी तरह से गल गए हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी है तो उसे हम थोड़ा और पका लेते हैं ताकि हमारी भाजी अच्छी तरह पक जाए। देखिए हमारे यहाँ पे हमारी भाजी अच्छी तरह से तैयार हो गई है
अभी हम इसे बंद कर देते हैं और इसमें थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल देते हैं। पका रही थी तो मैंने साथ ही साथ यहाँ पे रोटी भी मैंने डाल दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रोटी भी बना ली। मेरी भाजी और रोटी दोनों तैयार हो गई है। तो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो चलिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोग के पास वापस आ गई हूँ और आप लोग से मैं बताना चाहती हूँ कि अभी आप लोग को जो मैंने रेसिपी बताई हूँ आप लोग को कैसी लगी ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। और आप लोग से एक बात मुझे बताना है कि मैं ये वीडियो बहुत मेहनत से बना रही हूँ और बहुत अच्छे अच्छे बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। आप लोग को क्या मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं बाहर का भी बता रही हूँ आप लोग को, मैंने आप लोग को मार्केट भी बताई, आप लोग को मैं रेसिपी भी बता रही हूँ, आप लोग को जो कुछ में से बनता है मैं सब कर रही हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो क्या मेरे वीडियो में कुछ कमी है कि क्या बात है, आप बता सकते हो मुझे। और मैं तो कोशिश कर रही हूँ अच्छे से अच्छे बनाने की और इंशाल्लाह और कोशिश करूँगी ताकि आप लोग को अच्छा लगे वीडियो और मुझे आप लोग मतलब पसंद करें। तो फिर बस अभी आप लोग से मुझे इतना ही बोलना था तो मैं आप लोग को बोल रही हूँ। अगर आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि क्या वजह से मुझे व्यूज़ कम आ रहे हैं, क्या मेरा वीडियो पसंद है, आप ज़रूर बताना जैसे मैंने आप लोग को अभी बोली हूँ। तो फिर चलिए फिर अभी मिलते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं आप लोग से इतना उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग को मैं अच्छे अच्छे वीडियो दे सकती हूँ और आप लोग से ये उम्मीद भी कर सकती हूँ कि आप लोग ज़रूर मुझे देखेंगे, मेरे वीडियो देखेंगे और आप लोग को अच्छी लगेगी। और आप लोग जो भी कमेंट करते हैं मैं उसका बुरा नहीं मानती हूँ लेकिन मुझे बता दिया करो आप लोग। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि आप मेरे जो भी फैंस हो या मेरी फैमिली हो आप लोग को मैं अच्छा भेजूँ ताकि आप लोग को पसंद आए, आपको शिकायत का मौका भी ना दूँ। मगर नहीं हो पा रहा है, शायद आप लोग को नहीं पसंद आ रही हूँ मैं। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि मेरा वीडियो के साथ साथ मैं भी नहीं पसंद आ रही हूँ या मेरी फैमिली नहीं पसंद आ रही, जो भी है आप लोग मुझे बता देना। तो ठीक है, फिर मैं अभी मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।